हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल वी स्कूलर्स अकेडमी पे। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है एनांशोमर एंड डायस्टीरोमर्स। एक बहुत ही छोटा पोर्शन स्टीरियोकेमिस्ट्री का, और ये हमारा लेक्चर नंबर 5 होने वाला है। दिस इज इन कॉन्टिन्यूएशन विद गेट 2025 सीरीज। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो हम जो कर रहे हैं, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म्स की अगर बात करूँ तो ये दो तरह के होते हैं, कन्फर्मेशनल और कन्फिग्रेशनल। कन्फर्मेशनल आइसोमर्स अराइज होते हैं सीसी बॉन्ड रोटेशन के अराउंड, और कन्फिग्रेशनल आइसोमर्स, जिसके बारे में हम डिटेल में चर्चा भी कर चुके हैं, आरएस होते हैं, आर और एस कन्फिग्रेशन, यानी कि ये जो बनेंगे आपके सीसी बॉन्ड ब्रेकिंग से ही बनेंगे। और किसी भी कार्बन की कोई कॉन्फिग्रेशन को बताने के लिए हमने नोटेशन दी थी आर एस कन्फिग्रेशन, और इसको प्रायोरिटी रूल से हमने बताया था। आई होप आप सभी को ये क्लियर होगा। तो ये जो बनते हैं सीसी बॉन्ड ब्रेकिंग से बनते हैं, सीसी बॉन्ड रोटेशन से बन जाते हैं, इसमें कोई भी बॉन्ड तोड़ना नहीं बनता। इसमें तोड़ के दूसरी जगह जब लगाऊंगा तभी आपका एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं कन्फिग्रेशनल आइसोमर्स। दो तरह के होते हैं, ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल। ऑप्टिकल आइसोमर और ज्योमेट्रिकल आइसोमर की अगर मैं बात करूँ तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर सिस ट्रांस हो सकते हैं या ई जेड हो सकते हैं, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की अगर मैं बात करूँ तो वो होगा या तो एनांशोमर या फिर डायस्टीरोमर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है एनांशोमर्स। तो चलिए वन बाय वन हम सभी को डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा और अगर मैं समझूँ तो ऑप्टिकल आइसोमर्स वो आइसोमर्स होते हैं जो आप प्लेन पोलराइज लाइट को क्या कर देते हैं, रोटेट कर देते हैं। तो अब सबसे पहले बात करते हैं किसकी, एनांशोमर्स की। अब ये एनांशोमर्स होते क्या हैं समझ लेते हैं। एनांशोमर्स आर द स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज टू ईच अदर। इट मीन्स वो मिरर इमेज हैं, मिरर इमेज हैं, पर कैसी मिरर इमेज हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल। वो जो मिरर इमेज है वो कैसी है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, यानी कि एक मिरर इमेज दूसरी मिरर इमेज पे पूरी की पूरी कवर नहीं करेगी, कुछ ना कुछ चेंज आएगा। और इसको दूसरे तरीके से भी बता सकते हैं कि जो भी आइसोमर आपके बनेंगे मिरर इमेज के बाद, उन दोनों पे ही, मिरर इमेज से पहले और मिरर इमेज के बाद, यानी मिरर इमेज में या जो ओरिजिनल है उसमें, दोनों में ही डिस्क्रिप्टर कैसा होगा आपका, अपोजिट। दीज टू आइसोमर्स या दीज टू स्टीरियो आइसोमर्स हैव अपोजिट डिस्क्रिप्चर। अच्छा, अपोजिट डिस्क्रिप्चर का मतलब क्या है, अगर एक ही कार्बन है कायरल और कंपाउंड में एक ही कार्बन है और उस कंपाउंड में आर आ रहा है, क्या उस कायरल कार्बन का कॉन्फिग्रेशन, तो मिरर इमेज बनाने के बाद जो मिरर इमेज का कंपाउंड बनेगा उसमें उस कायरल कार्बन की कॉन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, एस। और अगर ऐसा होता है तो ये दोनों ही, इसको बनवा लेते हैं इसको टू, तो ये दोनों ही कैसे होंगे, आपस में एनांशोमर कहलाए जाएंगे। चलिए इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज आपके पास एक ये कंपाउंड है, इसकी सबसे पहले मैं कॉन्फिग्रेशन निकालता हूं। तो कॉन्फिग्रेशन में प्रायोरिटी रूल के हिसाब से जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसी को दूंगा। ये कायरल कार्बन है, इसको 1 दे दूंगा, ठीक है जी। C2H5 और CH3 में देखूं तो C2H5 का एटॉमिक मास भी ज़्यादा है, तो इसको 2, इसको 3 और इसको 4। तो आपका 1 से 2 से 3 से 4 ऐसे जाएगा, पहले 1 से, फिर 2 पे, फिर 3 पे। तो ये क्लॉकवाइज जा रहा है, कैसा जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है। फोर्थ ग्रुप कैसा है आपका, अबव है। तो क्लॉकवाइज जाने से आर बन रहा था, पर फोर्थ ग्रुप अबव होने की वजह से ये कैसा हो जाएगा आपका, एस हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस कंपाउंड की मिरर इमेज बना ली। ये क्या बना लिया आपने, मिरर लगाया और मिरर इमेज बना ली। जो एच है वो एच इधर आ गया, जो ओ एच है वो एच इधर आ गया, जो सी एस सी है वो सी एस सी इधर आ गया, जो C2H5 वो C2H5 इधर आ गया। अब मैं इसकी भी निकालता हूँ कॉन्फ़िगरेशन। लॉजिकली ऐसा लगता था कि सेम आना चाहिए, पर इसकी कॉन्फ़िगरेशन अलग आएगी। ऑक्सीजन का 1 ले लो, इसका आप 2 ले लो, इसका आप 3 ले लो। क्यों, क्योंकि रोटेशन चेंज हो गई। अब कैसी हो गई है, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज की जगह एंटी क्लॉकवाइज हो गई। पर फोर्थ ग्रुप अभी भी क्या है, अबव है। तो जो एस आना चाहिए था वो क्या आएगा आपका इसमें, आर। तो देखो पहले एस था, फिर क्या हो गया, आर हो गया, मतलब कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई। इट मीन्स ये दोनों कंपाउंड आपस में कैसे हैं, एनांशियो मर। क्या ये मिरर इमेज हैं, बिल्कुल एक दूसरे की मिरर इमेज हैं। क्या ये सुपर इम्पोजिबल है, नहीं। जब मैं इसको एक दूसरे के ऊपर रखूँगा, ये एच, ये ओ एच, तो आप देखोगे दूसरे कंपाउंड का एच इधर आ जाएगा और ओ एच इधर आ जाएगा और सी एच थ्री इधर आ जाएगा और सी टू एच फाइव इधर आ जाएगा। तो ये दोनों ही आपस में सुपर इम्पोजिबल नहीं है। एक दूसरे पर रखने पर, एक के ऊपर एक रखने पर, एक बंदा दूसरे बंदे को पूरा का पूरा सुपर इम्पोज नहीं कर पा रहा। बहुत बढ़िया जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या कंडीशन है जी, नॉन सुपर इम्पोजिबल होंगे और एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। तो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज आर एनांशोमर्स। फिर क्या कहूँगा जी, अपोजिट डिस्क्रिप्चर होगा। एक का आर होगा तो दूसरे का मिरर इमेज के बाद क्या आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। सपोज आपके पास दो कायरल सेंटर थे, जैसे कि कंपाउंड ए में, इसकी मैं क्या बना लेता हूँ, मिरर इमेज। ये फिशर में दे रखा है जी, इसकी मैं मिरर इमेज बना लेता हूँ। तो ये सी एल, ये ओ एच, इस साइड एच, इस साइड एच, ये सी एस थ्री ऊपर और ये सी टू एच फाइव नीचे। अब अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे, पहले कार्बन पे क्या आएगी, ऐसा आएगी, दूसरे पे क्या आ जाएगी,
जब मिरर इमेज के बाद क्या आ जाएगी आपकी, आर, वो आर बन जाएगा अपने आप ही। और पहला वाला आर था तो दूसरा वाला एस, तो एस आर किस में कन्वर्ट हो गया, आर एस में। तो कॉन्फ़िगरेशन देखो दोनों ही कार्बन पे क्या हो गई, चेंज हो गई। और इस वजह से एक फर्स्ट कंपाउंड और सेकंड कंपाउंड आपस में क्या हो गए, एनांशियो मर, क्या हो गए जी, एनांशियो मर, ए एन बी आपस में क्या है आपके, एनांशियो मर। तो चलिए इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। वही है जी, देखिए ये भी यही बोला है, सो ए एंड बी आर कॉन्फ़िगरेशन आर, सो इन कंपाउंड ए एंड बी द कॉन्फ़िगरेशन एट कायरल सेंटर आर, ए पे एस था, सी टू पे एस था, सी थ्री पे आर था, तो वो चेंज होके क्या बन गया, आर, फिर क्या बन गया, एस। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, कायरल कार्बन पे चेंज हो गई, कॉन्फ़िगरेशन कायरल कार्बन पे क्या हो गई आपकी, चेंज हो गई। एस आर किस में कन्वर्ट हो गया, आर एस में कन्वर्ट हो गया। तो चलिए कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। जो ये कंपाउंड होते हैं ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, ज़्यादा कोई खास डिफरेंस नहीं है एक्सेप्ट द रोटेशन, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज मेल्टिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेपर प्रेशर, रिलेटिव डेंसिटी, एनएमआर स्पेक्ट्रम, आईआर स्पेक्ट्रम आर सेम, सब कुछ क्या होगा, सेम होगा, बस एक ही चीज़ अलग होगी, पता चलने के लिए कुछ तो अलग हो, एक्सेप्ट द डायरेक्शन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन, रोटेशन अलग होगी, एक्सेप्ट द डायरेक्शन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन, सब कुछ क्या होगा, सेम होगा। ऑप्टिकल रोटेशन में भी क्या होगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट उसकी डायरेक्शन अपोजिट रहेगी, एक का नेगेटिव आएगा तो दूसरे का क्या आएगा, पॉजिटिव, एक क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से चलेगा। तो सब कुछ सेम है, ऑप्टिकल रोटेशन अलग है और वो भी उसमें डायरेक्शन अलग है, मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है, सेम है। पॉइंट नंबर टू, ऑल द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एनांशियोमर, ऑल द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एनांशियोमर टुवर्ड्स अ कायरल रिएजेंट आर ऑलवेज आइडेंटिकल। अगर आप एनांशियोमर को किसी अकायरल रिएजेंट से रिएक्ट करा रहे हो तो आपकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ क्या रहेंगी, सेम ही रहेंगी। अगर एनांशियोमर क्या होंगे, वन एंड टू दोनों को ही करा रहे हो तो सारी दोनों सेम तरीके का बिहेवियर शो करेंगे, बट अगर यहीं पे अकायरल की जगह कायरल हो जाएगा तो क्या होगा भाई, दोनों की प्रॉपर्टीज़ में थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा। चलिए उसके बारे में आगे बात करेंगे, अभी आगे बढ़ जाते हैं। पॉइंट नंबर तीन, द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एनांशियोमर, द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एनांशियोमर विल बी डिफरेंट इन द फॉलोइंग कंडीशन। कब अलग होंगी, तो जब रिएजेंट क्या होगा आपका, कायरल होगा, सॉल्वेंट अकायरल होगा, कैटलिस्ट अकायरल होगा, तब डिफरेंस आएगा किसमें, रेट ऑफ रिएक्शन में। जब रिएजेंट अकायरल होगा, सॉल्वेंट अकायरल होगा, कैटलिस्ट अकायरल होगा, तो वो भी डिफरेंस आएगा रेट ऑफ रिएक्शन में। अकायरल होगा रिएजेंट, सॉल्वेंट अकायरल, कैटलिस्ट अकायरल, तो डिफरेंस आएगा इन द रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए तीनों में एक एक बार आपने कायरल लिया, ये देख रहे हो आप, बाकी सब अकायरल है। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम इफ वी रन एनएमआर स्पेक्ट्रम ऑफ एनांशियोमर इन कायरल सॉल्वेंट देन इट विल ऑल्सो बी डिफरेंट। एनएमआर ऊपर देखिए, ऊपर अगर बात करेंगे तो एनएमआर एज वेल एज आईआर दोनों ही डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे थे, दोनों ही डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे थे कि आपके एनांशियोमर हैं उस जगह पे, यानी कि दो एनांशियोमर अगर मैं लूँ और दोनों का एनएमआर और आईआर रन कराऊँ तो दोनों ही सेम आएंगे, बशर्ते जो मैंने सॉल्वेंट लिया था वो कैसा हो, अकायरल। बट अगर यहीं पे कायरल ले लूँगा तो एनएमआर कैसा आएगा आपका, डिफरेंट आ जाएगा। चलिए आगे एक एग्जाम्पल को देख लेते हैं, इस कंपाउंड, ये क्या कहता है क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग कंपाउंड, इन दोनों कंपाउंड में क्या रिलेशन है। तो अगर आप देखोगे तो हमने ऑलरेडी निकाल के रखी हुई है कॉन्फ़िगरेशन, आप चाहो तो खुद से भी निकाल सकते हो, आपको बस क्या करना है, जहाँ पे चौथा नहीं बंदा दे रखा वहाँ पे एच कंसीडर करना है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, आप अगर करेंगे पहले प्रायोरिटी दीजिए, ऑक्सीजन को पहले देंगे आप, फिर आप देखेंगे इस AR को देना है या इस C को देना है, इस C पे C है, इस C पे O है, इस C पे C है और C पे डबल बॉन्ड O भी है, तो यहाँ पे जो C है उस पे एक H है, उस पे एक C है, यहाँ तक मामला ठीक है, पर इस पे C है, इस पे O है, तो इसको आप दो दे दोगे, इसको आप तीन दे दोगे, इसको आप चार दे दोगे, तो वन टू थ्री फोर है ना, ऐसा ही आ रहा है, फोर्थ ग्रुप ऑफ द प्लेन है, तो ये कैसा हो जाएगा आपका, आर हो जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। इन दोनों के बीच में बताना, अगर आप देखोगे तो ये दोनों ही एक दूसरे की मिरर इमेज एज सच तो नहीं लग रही, देखा जाए तो मिरर इमेज एज सच तो नहीं लग रही है, बट अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन देखूँ तो इस आर की क्या हो गई आगे, एस हो गई, इस एस की आगे क्या हो गई, आर हो गई, तो ये दोनों कंपाउंड आपस में क्या है, एनांशियोमर। तो आप क्या कर सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन निकाल के देख सकते, या फिर देख लो भाई दोनों एक दूसरे के क्या हैं, मिरर इमेज हैं या नहीं है। अगर मिरर इमेज हैं और वो नॉन सुपर इम्पोजिबल हैं, यानी एक दूसरे पे रखने पे सुपर इम्पोज नहीं करेंगे, तो वो क्या होंगे आपके, एनांशियोमर। आई होप आप सभी को क्या होगा, क्लियर होगा। और एनांशियोमर जो है वो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर है, इट मीन्स वो सी सी बॉन्ड के ब्रेक होने के बाद ही बनेंगे, ऐसे ही सिंपल रोटेशन से नहीं बनेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आर नेक्स्ट टॉपिक इज डायस्टीरियोमर। डायस्टीरियोमर के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं। डायस्टीरियोमर्स आर द स्टीरियो आइसोमर दैट आर नॉट एनांशियोमर, जो एनांशियोमर नहीं है
वो सब क्या है, डायस्टीरियोमर। अच्छा समझते हैं एनांशियोमर क्या थे, पहले वो समझते हैं। एनांशियोमर थे मिरर इमेज, एनांशियोमर थे नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, ऐसा ही था कुछ, ठीक है। तो डायस्टीरियोमर क्या होंगे, ये मिरर इमेज है तो ये नॉट मिरर इमेज होंगे, वेरी सिंपल। डायस्टीरियोमर क्या होंगे आपके, नॉट मिरर इमेज, बहुत बढ़िया। चलिए कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं इसके बारे में। डायस्टीरियोमर्स कैन अराइज व्हेन स्ट्रक्चर हैव मोर देन वन स्टीरियोजेनिक सेंटर, यानी कि पहली कंडीशन क्या है डायस्टीरियोमर के लिए, टू और मोर देन टू स्टीरियो सेंटर होने चाहिए, टू कायरल सेंटर कह सकते हैं, टू स्टीरियोजेनिक सेंटर होने चाहिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पॉइंट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ डायस्टीरियोमर आर ऑलवेज डिफरेंट बट द डायरेक्शन मे बी सेम और अपोजिट। एनांशियोमर में क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन सेम था, डायरेक्शन अपोजिट थी। यहाँ पे क्या है, मैग्नीट्यूड अलग रहेगा बट डायरेक्शन हो सकती है सेम हो सकती है अलग। नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर तीन, द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द डायस्टीरियोमर्स आर ऑलवेज डिफरेंट बट डिफरेंट मे बी मोर और लेस। ये कह रहा है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होगी वो डायस्टीरियोमर की वो हमेशा ही अलग होगी, चाहे डिफरेंस कम हो चाहे डिफरेंस ज़्यादा हो। पॉइंट नंबर चार, द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द डायस्टीरियोमर टुवर्ड्स काइरल एज वेल एज अ काइरल रिएजेंट इज ऑलवेज डिफरेंट। जब कंपाउंड की प्रॉपर्टीज ही अलग आ रही थी, तो काइरल हो रिएजेंट या काइरल रिएजेंट हो, तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी काइरल रिएजेंट या काइरल रिएजेंट के टुवर्ड्स क्या आएगी, हमेशा डिफरेंट आएगी। चलिए इसके एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे जो डायस्टीरियोमर हैं, अगर मैं उसकी बात करूं तो सिस ट्रांस क्या होते हैं, सिस ट्रांस भी आपके डायस्टीरियोमर ही होते हैं। तो अगर मैं देखूं फ्यूमेरिक एसिड एंड मलाइक एसिड, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट देखूं तो इसका है 299 से 300, और देखिए इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, अलग है। इसका मतलब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, अलग हैं, और दोनों ही आपस में क्या है, सिस ट्रांस है ना, तो ये क्या है, डायस्टीरियोमर, ठीक है जी। नॉट ज्योमेट्रिकल आइसोमर सिस एंड ट्रांस आइसोमर आर ऑलवेज डायस्टीरियोमर, अ सिमिलर स्टीरियो आइसोमर कैन एग्जिस्ट इन साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड में भी आपके सिस एंड ट्रांस बैठ सकते हैं, और सिस एंड ट्रांस होने की वजह से वो क्या हो जाएंगे, डायस्टीरियोमर। तो देखिए ये कंपाउंड दे रखा है, इसमें ये ग्रुप अबव दे रखा है, ये ग्रुप अबव, यानी ये दोनों सेम साइड हैं, तो ये कैसा हो जाएगा, सिस। इसमें ये अबव है और ये OH कहाँ चला गया, बिलो चला गया, तो एक ऊपर एक नीचे, तो ये कैसा हो जाएगा, ट्रांस। देखिए अगर मैं इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करूँ, तो देखिए मेल्टिंग पॉइंट 82 से 83 है और इसका 80 से 81, तो है तो अलग, पर हो सकता है क्लोज हो सकता है ज़्यादा हो, क्या डिफरेंस, कहाँ पढ़ा था, अभी पढ़ा था। देखिए द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द डायस्टीरियोमर आर ऑलवेज डिफरेंट बट डिफरेंट मे बी मोर और लेस, कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, तो ये आपस में क्या है, डायस्टीरियोमर्स। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, एग्जांपल से देख लेते हैं। डायस्टीरियोमर कैन बी काइरल और अकायरल, ये काइरल भी हो सकते हैं और अकायरल भी हो सकते हैं, बशर्ते काइरल और अकायरल की कंडीशन की हमने मैंने बात की थी। काइरल हो सकता है जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट ना हो, जो पील प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करे। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री इज मोर इम्पोर्टेंट। बेसिकली दो तीन चीज़ें की बात की थी मैंने, एक तो सिग्मा नहीं होना चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, एक सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, एक इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। अगर ये तीनों ही नहीं है तो कंपाउंड आपका कैसा होगा, काइरल होगा। वो प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करेगा, रोटेट करेगा, और वो ऑप्टिकली क्या होगा, एक्टिव होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसमें देखूँ, ये वाले जो कंपाउंड अभी हमने बात की थी, ये वाला टर्शियरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेनॉल, इसमें मैं बात करूँ तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इट मींस दोनों में ही प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से ये दोनों ही क्या हैं, अकायरल, राइट। आ जाते हैं दूसरे कंपाउंड में देख लेते हैं भाई। यहाँ पे अगर मैं देखूँ, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे मैंने देखा था एनांशियोमर में क्या देखा था मैंने, हर काइरल कार्बन पे जो डिस्क्रिप्चर होना चाहिए, यानी कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, वो अलग होनी चाहिए। मान लो सपोज एक ही काइरल सेंटर था, तो एक में आर होगा तो उसकी मिरर इमेज में क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा, ठीक है। अगर एस होता तो क्या आ जाता, आर आ जाता। अगर दो होते काइरल सेंटर, आर आर है तो क्या हो जाता, एस एस हो जाता। अगर आर एस है तो क्या हो जाता, एस आर हो जाता। अगर एस एस है तो क्या हो जाता, आर आर हो जाता। ये सभी एनांशियोमर होते आपस में, ये आपस में, आपस में, आपस में, आपस में, आपस में। पर डायस्टीरियोमर क्या है, वो तो एनांशियोमर नहीं है ना। तो इसमें क्या होगा, मान लो अगर तुम्हारे पास दो कायरल सेंटर तो होने ही चाहिए, तो अगर आर आर है, दूसरे में अगर आर एस आता है या फिर एस आर आता है, तो देखिए एक पे क्या है, सेम है। इसमें आर है, यहाँ पे पहले वाले में आर है, इसमें आर है, तो ये सेम हो गया। अच्छा दूसरे वाले में देखिए, तो ये वाला और ये वाला क्या हो गया, सेम हो गया। समझते हैं, ये कार्बन इसमें सेम आ गया है ना, और पहले वाले में ये वाला कार्बन इसके सेम आ गया। तो जब एक कार्बन पे सेम कॉन्फ़िगरेशन हो और दूसरे पे डिफरेंट हो जाए, या किसी भी एक पे अलग हो जाए, या सब पे अलग हो जाए एक को छोड़ के, ऐसा भी पॉसिबल हो, तो वो सभी क्या होंगे, आपस में डायस्टीरियोमर। यानी ये पहला कंपाउंड, ये दूसरा, ये तीसरा, ये तीनों आपस में क्या है, ये पहला दूसरा आपस में क्या है, डायस्टीरियोमर। अगर मैं बात करूं पहले और तीसरे के आपस में क्या है, डायस्टीरियोमर।
मन। बट अगर मैं दूसरे और तीसरे की बात करूं तो ये आर था, ये एस हो गया, ये एस था, ये आर हो गया, तो ये आपस में क्या है, एनांशियो मन। तो आपको ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा, आप कॉन्फ़िगरेशन निकाल के चीज़ें कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, यही वही चीज़ बता रहा है ये भी जो मैं बता रहा था, पढ़ लेते हैं एक बार। द डायस्टीरियोमर आर डिफरेंट कंपाउंड विद डिफरेंट नेम्स। डायस्टीरियोमर क्या होंगे, दोनों ही अलग अलग कंपाउंड होंगे जिनका नाम भी क्या होगा, अलग अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल एफेड्रीन एंड शूडो एफेड्रीन, एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज होगी उनकी, क्या होगा जी, डिफरेंट नेम होगा, डिफरेंट क्या होगी, प्रॉपर्टीज होगी उनकी, राइट। जबकि पेयर ऑफ एनांशियोमर, जो एनांशियोमर होंगे वो सेम कंपाउंड होंगे एंड डिफर ओनली इन द डायरेक्शन इन विच दे रोटेट, पीपीएल यानी प्लेन पोलराइज लाइट, अदरवाइज उनकी सारी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी। तो अगर मैं समरी देखूँ तो मैं कह सकता हूँ कि अगर एक कंपाउंड पे आर आर है और दूसरे कंपाउंड पे आर एस है और दोनों की मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, कनेक्टिविटी सेम है, तो ये आपस में क्या होंगे, डायस्टीरियोमर। अगर आर आर है एस एस हो जाता है तो ये आपस में क्या होंगे, एनांशियोमर। अगर एस एस है एस आर हो जाता है तो देखिए एक पे सेम रह गई अगेन, तो ये क्या हो जाएंगे, डायस्टीरियोमर। अगर आर एस है एस आर है तो देखिए दोनों पे अलग है, आर का एस एस का आर हो गया, तो ये आपस में क्या है, एनांशियोमर हैं। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आपके सामने ये एग्जांपल दिया गया है। देखिए इन सभी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है क्या, पहली कंडीशन ये देखिए, बिल्कुल जी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, आप सबका देखेंगे तो सेम आ रहा है। दूसरी चीज़, क्या कनेक्टिविटी सेम है, जिस तरीके से कंपाउंड वन में सब आइटम कनेक्ट हैं क्या उसी तरीके से कनेक्ट है, अबव और बिलो को छोड़ दीजिएगा। तो अगर आप देखेंगे तो हाँ, OH, 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 COH, 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 तो सब में कनेक्टिविटी भी क्या है, सेम है, बहुत बढ़िया। अब अगर देखोगे आप तो स्पेस में अरेंजमेंट अलग है, तो स्पेस में अरेंजमेंट अलग है तो इसीलिए तो क्या है, ये स्टीरियो आइसोमर है ना। अब देखते हैं कि भाई ये क्या है, एनांशियोमर है या डायस्टीरियोमर। तो एनांशियोमर में वन कायरल सेंटर चल जाएगा, एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी। डायस्टीरियोमर दो और दो से ज़्यादा होने चाहिए, तो यहाँ पर तो दो है तो वन वाले से तो दोनों ही पॉसिबल हैं। बात आती है कॉन्फ़िगरेशन निकालने की, तो अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन निकालता हूँ तो पहले में क्या आ रहा है, आर आर, ये वन मान लेता हूँ भाई मैं, दूसरे में क्या आ रहा है एस एस, इसको दो मान लेता हूँ, तो ये आपस में क्या है, एनांशियोमर। तो पहले वाले क्या आ गए, एनांशियोमर। देखिए कॉन्फ़िगरेशन डिस्क्रिप्शन चेंज हो गया ना, अगर इसको तीन मान लूँ तो वन और तीन को देखूँ मैं, तीन में क्या आ रहा है आपका आर एस, तो ये आपस में क्या है, डायस्टीरियोमर। अगर टू और थ्री को देखूँ मैं तो एस एस था आर एस था, एक पे फिर सेम रह गया, तो इसका मतलब ये आपस में क्या होते, डायस्टीरियोमर। अगर टू और फोर को देखूं तो एक एस एस है एक एस आर है, तो ये भी क्या हो जाएंगे आपके, डायस्टीरियोमर। और अगर मैं थ्री और फोर को देखूं तो आर एस से एस आर हो गया, तो ये आपस में क्या है, एनांशियोमर। आई होप आप सभी को निकालना आ गया होगा कि डायस्टीरियोमर कौन से होते हैं, एनांशियोमर कौन से होते हैं। आप इसको एक एग्जाम्पल से भी कर सकते हैं, चलिए एग्जाम्पल वन देखते हैं। ये दो कंपाउंड दिए आपको, एक ये और एक ये, फिशर की कॉन्फ़िगरेशन दी गई है, ठीक है जी। तो आपको बताना है फर्स्ट और सेकंड में क्या रिलेशन है, इन दोनों में रिलेशन बताना है। तो अगर रिलेशन बताऊं तो देखो, आप इस वाली वर्टिकल एक्सिस पे देखेंगे कि सब कुछ सेम है, अगर आप हॉरिजॉन्टल पे देखेंगे तो एच ओ एच पहली वाली पे सेम है, इट मीन्स पहले कार्बन पे सब कुछ सेम है, यानी कॉन्फ़िगरेशन चाहे आर आए तो इधर भी आर होगा, ऐसा इधर भी ऐसा होगा, बहुत बढ़िया। पर अगर आप दूसरे कार्बन पे देखेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, अब अलग होगा, इट मीन्स एक पे सेम है दूसरे पे सेम नहीं है, तो ये आपस में क्या होंगे, डायस्टीरियोमर्स। आपको आर एस भी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आप चाहो तो निकाल सकते हैं, आप चाहो तो निकाल सकते हैं, बहुत बढ़िया। ऐसे ही आप देखेंगे इन वन टू थ्री फोर में आपको रिलेशन बतानी है कि क्या रिलेशन है ये, ऑल्दो आपको आंसर भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप घर पे पोज करके ट्राई कर सकते हैं, हम भी यहाँ पे आपको आंसर बता देंगे। हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, आप इसको करिएगा और आप बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में कि आपका सही आया या नहीं आया, अगर कोई इशू आ रहा है तो हम उसको रिजॉल्व कर देंगे। तो स्टूडेंट हमारे कुछ चैनल जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि थ्रेड्स, यूट्यूब, फेसबुक, वेबसाइट एंड इंस्टा। इंस्टा पे हमें फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि उस पे हम हमेशा हर दिन एक क्वेश्चंस अपलोड करते हैं जिसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट डे आपको देते हैं, आप उसको सॉल्व करके नेक्स्ट डे अपना सॉल्यूशन चेक कर सकते हैं कि आपने सही किया या नहीं किया। और अगर किसी को इस तरह की चीज़ों की केमिस्ट्री में किसी तरह की प्रॉब्लम है और कोई भी ज़रूरत है तो वो हमें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम को दूर करने में हेल्प करेंगे। जब तक नई वीडियो नहीं आती तब तक के लिए थैंक यू सो मच, सायोनारा, सबक है, बाय बाय।